अकबर बीरबल की कहानी मूर्ख लोगों की सूची। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपकी दोस्त वंशिका आज आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जो कि थोड़ी इंटरेस्टिंग है और लास्ट में उसकी सीख भी बहुत अच्छी है। तो आइए सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम कुछ ऐसा करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर लेकर आओ। बीरबल, जी जाहपना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढकर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहांपना, मुझे इतना अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात होगी। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल पूछते हैं, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ ही हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को दो व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? तो पहला व्यक्ति कहता है, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति कहता है, और मेरा नाम मंगू है। मंगू कहता है, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। तो चंगू कहता है, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। तो बीरबल कहते हैं, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू कहता है, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल कहते, अच्छा, ये बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो व्यक्ति कहता है,
जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। तो बीरबल कहते हैं, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति कहता है, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल, अच्छा ये बात है, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो, मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है फिर, खुश होकर कहता है। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल कहता है, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्ति को ढूंढकर लेकर आया हूँ। अकबर कहते हैं, बीरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख है? बीरबल ने बादशाह को सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल चार ही लोग हैं, बाकी के दो मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल कहता है, जहां पना यहाँ पर छह मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर कहते हैं, यहाँ कहाँ है और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल कहता है, जहां पना एक तो मैं स्वयं हूं। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल कहते हैं, मैं इसलिए मूर्ख हूं क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर कहते हैं, फिर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल कहते हैं, दूसरे आप है जहांपना, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से ये सीख मिलती है कि दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब ही ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये मज़ेदार कॉमेडी फनी कहानी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक अनोखी ऐसे ही मज़ेदार चटकदार कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे कमेंट्स कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।